एक महिला व दो पुरुष तीनों दोस्त हैं और तीनों दिल्ली घूमने गए। दिल्ली घूम कर रहे तो उन्होंने एक टैक्सी को हायर किया और टैक्सी वाले को बोला कि हमें पचपदरा जाना है। तीनों जोधपुर के थे। महिला जो हैं वो मूलतः उदयपुर की हैं और पिछले कुछ समय से जोधपुर में रह रही है। तीनों जोधपुर के थे लेकिन उन्होंने टैक्सी वाले को ये बोला कि हमें बाड़मेर ज़िले के पचपदरा जाना है, वहाँ पर हमें कोई काम है। टैक्सी वाले ने किराया तय किया और तीनों लोग उस टैक्सी में बैठ गए, दिल्ली से रवाना हुए, जोधपुर भी पहुँच गए और जोधपुर से पचपदरा के लिए निकले तो बीच रास्ते में पटाऊ एक गांव पड़ता है। उस गांव में उन तीनों लोगों ने उस टैक्सी वाले को रुकवा दिया, उसके साथ मारपीट की, उसके पैसे लूट लिए, एटीएम लूट लिया और गाड़ी भी लूट ली और उसे वहां से भगा दिया। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन तीनों ने, जिसमें एक महिला भी शामिल, एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया और फिर वो वहां से फरार हो। युवक तुरंत प्रभाव से पचपदरा थाने पहुंचा, थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद बाड़मेर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। पचपदरा थाना अधिकारी स्वयं ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनका पीछा किया। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को, लेकिन 24 घंटों के भीतर उन तीनों को ढूंढ निकाला, उनके कब्जे से गाड़ी को भी जब्त किया, उनके ATM और पैसे वो भी बरामद करने की पुलिस कोशिश कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर SP दीपक भार्गव का क्या कहना है, ये आप सुनिए। पचपदरा थाना क्षेत्र में पटाऊ के आसपास एक गाड़ी लूट की घटना हुई थी। बेसिकली एक टैक्सी चालक हैं आर्यन यादव, वो दिल्ली से पचपदरा के लिए तीन लोगों को लेके आए थे। उन्होंने टैक्सी किराए पे ली थी। पटाऊ के पास आके उन तीनों ने, दो पुरुष और एक महिला ने, मारपीट करके उनसे गाड़ी छीन ली, उनके पैसे, ATM और मोबाइल लेके उनको पटक के चले गए। थाने पे पहुँचते ही उन्होंने रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज हुआ। SHO और उनकी टीम उसी समय बाहर निकल गए मुलजिम की तलाश में और मुखबिर की सहायता से तकनीकी आधार पे तीनों मुलजिमों को दस्तयाब कर लिया और वाहन जब्त हो गया, मोबाइल उनका रिकवर हो गया और पैसे और ATM भी रिकवर हो जाएगा। इसमें बेसिकली पता चला है कि उन्होंने, उनके पैसे ख़त्म हो गए थे और मौज मस्ती के लिए और आगे घूमने के लिए और कुछ थोड़ा पैसा इकट्ठा करने के लिए वारदात की थी। प्राइमरी पैसे इसमें एक महिला भी शामिल है और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर वारदात का खुलासा किया। हाँ, इसमें SHO पचपदरा और उनकी टीम का बहुत सराहनीय कार्य रहा। उन्होंने रिपोर्ट आने के 15 मिनट के भीतर रिपोर्ट आते ही उन्होंने मुझे बताया, उसके बाद 15 मिनट के भीतर टीमें बना दी और खुद भी रवाना हो गए और तकनीकी सहायता से पीछा करते हुए, पीछा भी लंबा करना पड़ा उनको, कल्याणपुर, अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, वहाँ जाके फाइनली उनको जो सुराग मिले, पीछा करते 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 फिर मुलजिमों तक पहुँचे। तीनों मुलजिम भी गिरफ्तार किए, वाहन भी जब्त करा और अन्य सामान भी जब्त किया। तो ये लोग कहाँ के थे जो वारदात को अंजाम देने वाले, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से टैक्सी करके ले आए थे? ये रहने वाले इधर के बाड़मेर के ही हैं। इनमें से एक जना जोधपुर का रहने वाला है और बाकी दो जने बाड़मेर के रहने वाले हैं। इनका पूर्व का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक मिला नहीं है, उसको दिखवा रहे हैं, अनुसंधान पता चल जाएगा और कुछ है क्या। तो बेसिकली ये इन्होंने किराए पे लिया, पैसे ख़त्म हो गए, उसके पश्चात उसको मारपीट करके उससे गाड़ी और पैसे छीन के भाग गए। इनका इरादा यही रहा होगा कि आगे गाड़ी निकाल देंगे, उससे जो पैसे आएंगे तो अपना इनका काम चलता रहे। ये जो महिला, इनके साथ कोई संबंधी आपस में रिश्तेदार थे या फिर क्या, ये अनुसंधान से पता चलेगा, मेरे को इतनी जानकारी अभी है नहीं। उन्होंने SHO और जो IO उन्होंने क्लियर कर लिया होगा। महिला और बाकी दो पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया था, महिला को JC करा दिया, दो तीनों को बापर्दा रखा हुआ था और दोनों पुरुषों की PC लेके बाकी जो सामान बचा हुआ है उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। अन्य कोई इन्होंने इस तरह की वारदात की है वो मालूम करने की प्रयास कर रहे हैं।